हे एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजर शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके किचन का स्पेस तो बहुत ज़्यादा बचने वाला है, आपका किचन ऑर्गेनाइज भी दिखेगा, क्लटर फ्री भी दिखेगा, आपका किचन खूबसूरत भी लगने वाला है। तो सारे ऑर्गेनाइजर्स मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं और हर एक प्रोडक्ट पे मैंने काफ़ी सारे पैसे भी अर्न बैक किए हैं विद द हेल्प ऑफ cashkaro.com। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आप लोगों से एक धमाकेदार न्यूज शेयर करने वाली हूं। तो चलिए फटाफट से आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे किचन के लेफ्ट हैंड साइड में काउंटर टॉप के ऊपर आप देखोगे ये ब्लैक प्यारा सा सिरामिक का सिंक है जो हमने लगवाया हुआ है। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने इन डिटेल शेयर किया हुआ है, लिंक मैं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। लेकिन जस्ट उसके बाजू में एक बार ही नज़र डालिएगा, हमने स्पैचुला रखा हुआ है थोड़े बड़े वाले कंटेनर में। यहाँ पे जो तीन आप अलग अलग ग्लास फॉर्म में जो सिरामिक के ऑर्गेनाइज़र देख रहे हो, ये ना हमने एक साल पहले DIY किया हुआ था जब मैं रेंटल अपार्टमेंट में रहती थी, तो चलता आ रहा था। अभी मुझे जरूरत नहीं था तो इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया है। लेकिन यार अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये स्पेस काफी क्लटर्ड दिख रहा है। हमने स्पैचुला रखा हुआ है थोड़ा बड़ा कंटेनर में, उसके बाद छुरी रखा हुआ है, स्पून्स और फॉक एक ही कंटेनर में हमने रखा हुआ है, तो देखने में स्पेस थोड़ा भरा भरा सा लग रहा है। अब यहाँ जो आप स्पैचुला वगैरह देख रहे हो ना गाइज, ये यहाँ से हटेगा और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन मैं कहाँ इसका सेटअप करने वाली हूँ वो वीडियो में फर्दर आपसे शेयर करने वाली हूँ। और इन तीनों को मैं यहाँ से हटा रही हूँ, इसके बदले जो हमने अमेजोन से परचेज किया ये सुंदर सा ऑर्गेनाइजर, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। देखिए ये MDF मटेरियल का है और इसकी जो फिनिशिंग है मुझे बहुत अच्छी लगी है, और साथ ही साथ इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ना ब्लैक टच में जो कोटेशन लिखे हुए हैं जैसे चमचा गिरी, कांटा लगा, छप्पन छुरी, यार कौन अट्रैक्ट नहीं होगा, बहुत ही क्यूट सा ये स्लोगन लग रहा है। तो तीन अलग अलग सेक्शंस हैं, एक ही बॉक्स में है, प्रॉपरली अलाइंड है। अब देखिए स्पेस कितना आपका खाली दिख रहा है ना। तो है ना ये स्लीक और स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र। इसी तरीके से अपने किचन का जगह बचाने के लिए मैंने और भी कई सारे प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं, लेकिन cashkaro.com से मैंने हर एक प्रोडक्ट पे काफ़ी सारे पैसे अर्न बैक भी किए हैं। सो बेसिकली cashkaro इंडिया की सबसे बड़ी कैशबैक और कूपन साइट है जिसे रतन टाटा जी ने खुद फंड किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लिंक को क्लिक करके cashkaro डाउनलोड कर लीजिए। साइन अप करने के बाद आपको ₹25 का कैशबैक मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा कोड यूज करने के बाद भी आपको ₹25 का कैशबैक मिल जाएगा। मुझे करनी है अमेजोन से शॉपिंग, इसलिए ये साइट को सेलेक्ट करते ही इस ऑरेंज बटन पे क्लिक करना है। cashkaro आपको अमेजोन की साइट पे डायरेक्ट कर देगा। अब जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। अपना प्रोडक्ट पिक कीजिए, कार्ट पे ऐड कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू यूज अ कूपन कोड जो आपको अमेजोन से अवेल करना है। अब प्रोसीड टू बाय कीजिए और cashkaro अकाउंट पे माई अर्निंग्स पे क्लिक करते ही अर्निंग्स आपके दिख जाएगी, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप इसे एज एन अमेजोन वाउचर यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने ये नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर के तरफ। ये जो ऑर्गेनाइजर है, आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग इसे यूज करते होंगे। ये देखिए ये किचन का कॉर्नर है, एक तरफ मैं मिक्सर ग्राइंडर रखती हूँ, इजी एक्सेसिबिलिटी के लिए, हर दिन कुकिंग में इसकी जरूरत पड़ती ही है इसलिए आपको ये यहीं दिखेगा। और एक तरफ मैंने केटल रखा है जल्दी जल्दी कॉफी बनाने के लिए, तो ऊपर का जो स्पेस है खाली जा रहा था इसलिए ये स्टोरेज शेल्फ यहाँ लगाने वाली हूँ। देखिए दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, आप ड्रिल भी कर सकते हो अगर आपका खुद का मकान है, लेकिन अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में रहते हो तो इस तरीके का रीस्टिकेबल हुक दिया हुआ है, इजीली ये पेस्ट हो जाएगा। एक टिप दे रही हूँ, कोई मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सारे हुक्स को वाइज में इस तरीके से फंसा लीजिए। अब आपको जहाँ पे भी पेस्ट करना है इसे पेस्ट कर दें। ये कॉर्नर रैक देखिए काफ़ी स्टोरी है, तो इजी एक्सेस के लिए मैंने चाय पत्ती, कॉफ़ी और चीनी तीनों यहाँ रखा हुआ है। वैसे तो ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है, मैंने फ़िलहाल के लिए किचन में इसको रखा हुआ है, लेकिन अगर मुझे लगेगा तो मैं इसको कहीं और भी शिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि इसके पीछे दिया हुआ है रीस्टिकेबल हुक, तो ये आप काम में ले सकते हैं। मेरे को कॉमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कितने सारे लोग ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए आए हैं।
दोस्तों अगर आपकी रेंटल किचन में स्पेस काफ़ी कम है तो इस तरीके का हैंगिंग ऑर्गेनाइजर आप काम में ले सकते हैं। एक पतली सी रॉड है हैंग करने के लिए, इस तरीके के प्लास्टिक हुक्स भी दिए हुए हैं, तो ऑल टुगेदर 6 डिटैचेबल हुक्स हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली इसे बढ़ा या घटा भी सकते हैं। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था दैट जितने भी मेरे स्पैचुलर्स हैं अब इनकी प्रॉपर जगह बनने वाली है, तो ये जस्ट मेरे माइक्रोवेव के नीचे वाला सेक्शन है, तो इसी पार्टीशन वॉल पे सारे स्पैचुलर्स को मैं हुक्स में हैंग कर दूंगी। तो देखिए आपके भी किचन में अगर थोड़ा सा भी वर्टिकल स्पेस है तो इस तरीके का स्टेनलेस स्टील विथ हैंगिंग हुक ऑर्गेनाइजर आप काम में ले सकते हैं। ये भी एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है। काउंटर टॉप आपका बहुत ही छोटा है, आप वर्टिकल स्पेस को काम में लेना चाहते हैं तो ये ऑर्गेनाइज़र आपके लिए मस्ट है। 18 या 19 mm के प्लाई से अगर आपका कोई शेल्फ बना हुआ है तो वहाँ आप इस ऑर्गेनाइज़र को इंसर्ट कर दें। आप आसानी से इसे निकाल के एक जगह से दूसरे जगह फिक्स कर सकते हैं। ओवरलोडिंग दोस्तों हमें नहीं करनी है। अगर आप चाहें तो हल्के वाले छोटे छोटे जो कप्स आते हैं उसे आप यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। किचन टॉल, बटर पेपर, अल्मूनियम फॉयल रोल, ये सारी चीज़ें इजीली यहाँ हैंग कर सकते हैं। फ्रिज के ऊपर का जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये स्पेस मेरे किचन में काफ़ी वेस्ट जा रहा था, इसलिए इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र मैंने परचेज किया है। ये दो एक्स्ट्रा रोज थे जो कैबिनेट में अनयूज पड़े हुए थे तो उसे मैंने यहाँ लगा दिया है। तो देखिए खाली स्पेस अब ऑक्यूपाई हो गया है और किचन फुल्ली ऑर्गेनाइज दिख रहा है। पहले मैं चौकी और बेलन यूज़ किया करती थी रोटियां बनाने के लिए और इसके नीचे टाल या कोई फेब्रिक रख देती थी ताकि गंदगी इधर उधर ना फैले। और तो और चौकी कहाँ रखूँ ये सोचना पड़ता था, लेकिन अब इसको रिप्लेस करके मैं बेकिंग मैट यूज़ करती हूँ। रोटी बनाने के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है मुझे, जिसकी वजह से रोटी बेलने में मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। और जब आपका काम हो जाए इसे क्लीन कर लें, वाइप आउट करके जितना हो सके इसे फोल्ड करके ड्रॉर के किसी भी सेक्शन में रख दीजिए। देखिए अब काम भी आसान हो जाता है और स्पेस भी कितना बच जाता है। काफ़ी दिनों से दोस्तों मैं इस प्रोडक्ट का वेट कर रही थी, लेकिन जब जब मैं इसको परचेज़ करने के लिए जाती ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था, लेकिन अब ये हाथ में आया है। देखकर तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे ये है सिलिकॉन स्ट्रेचेबल लिड्स। और इसकी पता है खासियत क्या है, आपके पास चाहे कोई सा भी कंटेनर हो, प्लास्टिक का कंटेनर हो, स्टील का हो या कोई भी ग्लासेस का कंटेनर हो, किसी भी साइज़ या शेप का हो, तो आप ना ये लिड इसके ऊपर लगा दीजिए। कोई भी बर्तनों के लिए एडिशनल आपको लिड की जरूरत नहीं है। ये सिलिकॉन लिड 6 के सेट में आता है। अगर आप फ्रूट्स वगैरह कट करके रखते हो बच्चों को देने के लिए, लेकिन तुरंत अगर आप नहीं दे सकते हो तो ये लिड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। कोई भी स्नैक्स जैसे मखाना वगैरह हम फ्राई करते हैं कभी कभार, तो मॉइस्चर लगने का थोड़ा ज्यादा चांसेस रहता है, तो इस लिड से भी आप इसको कवर कर सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है ना, हम सब्जी कट करके रखते हैं लेकिन तुरंत हमें खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो उस टाइम पे आप अपने कोई भी शीशे का बोल या स्टील का बोल में जिसमें भी आप कट करके रख हो सब्जी, उस केस में ये सिलिकॉन लिड काफी हेल्प करता है। फ्रिज में आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए आप एक के ऊपर एक स्टैक करके भी आप इसको रख सकते हैं। देखिए स्पेस आपका कितना ज्यादा सेव हो जाता है। ये प्रोडक्ट मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, तो आप लोग बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आप लोगों को ये प्रोडक्ट और कितने सारे लोग ये प्रोडक्ट को आप लोग यूज करते हैं। अब जब मैं फ्रिज के बारे में बात कर रही हूँ तो छोटे फ्रिज में थोड़ा और सामान रखने के लिए इस तरीके का भी ऑर्गेनाइज़र आप काम में ले सकते हैं। स्पेस कम है तो स्टैक करके भी आप रख सकते हैं। फाइनली ये लास्ट प्रोडक्ट भी काफ़ी यूज़फुल है। ये है सिलिकॉन फूड प्रिजर्वेशन बैग जो आपके ईटेबल आइटम्स को हमेशा फ्रेश रखता है। अगर आपका छोटा फ्रिज है, थोड़ा सा भी बर्तन रखते हैं और स्पेस नहीं बचता, तो उस केस में आप इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र काम में ले सकते हैं। स्क्वीजी फॉर्म में ये रहता है, ज़रा सा स्पेस चाहिए इसे और किसी भी कोने में कोई सा भी फूड या डेयरी आइटम्स आप रख सकते हैं। इसकी एक खासियत है गाइस, लिक्विड या सॉलिड प्रोडक्ट्स इसके अंदर आप रखना चाहते हैं तो सिंपली ये जिप इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए। ये इतना एयर सील्ड हो जाता है कि अगर आप इसे पलट भी दोगे तो अंदर का आइटम बिल्कुल भी लीक आउट नहीं करता। ये प्रोडक्ट मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो बहुत पसंद आया और मुझे पता है हर दिन के हिसाब से मुझे ये बड़ा काम आने वाला है। आप में से कितने सारे लोग इसे यूज़ करते हैं ज़रूर बताइएगा।
सो गाइस बताइएगा जरूर आप लोगों को कौन सा ऑर्गेनाइजर पसंद आया है। देखिए कोई भी चीजें परचेज करने से पहले ये जान लें कि आपको क्या जरूरत है, आपके किचन को क्या बेस्ट सूट करता है, आप ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजर यूज करोगे तो आपके किचन में स्पेस बचेगा। उसके बाद ही आप स्मार्टली शॉप कीजिए विद द हेल्प ऑफ cashkaro.com। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। अभी अजियो पे सेल चल रहा है जहां आपको 50-90% ऑफ सारे ब्रांड्स में मिल रहा है, एंड कैश करो से शॉपिंग किया तो एडिशनल 8% कैशबैक भी मिलेगा। तो सेल मिस मत कीजिए, 27 तक ही है, सो गो एंड शॉप नाउ। तो दोस्तों मुस्कुराते हुए भाई आपने वीडियो तो पूरा देख ही लिया है, तो अब लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अलग सा वीडियो लेकर। टिल देन गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।